अभी आप लोगों ने अगर यूपीपीसीएस का पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का 2020 का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन सेइंग से संबंधित आपका आया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या रहता है कि पूछ लेता है वन डे एग्जाम। और वन डे एग्जाम कहने का मतलब होता है कि जो एक दिन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन एग्जामों की बात कर रहा होता है। तो चाहे आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया या जो भी स्टेट पीसीएस है उनका प्रीलिम्स हो गया, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाता है जहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये न्यूज अभी आई हुई है कि भारत में प्रथम बार आसापो टीडा हींग की खेती होगी। CSIR और IHBT ने पहली बार भारतीय हिमालयी क्षेत्र में आसापो टीडा हींग की खेती शुरू करके इतिहास बनाया है। इस पौधे को आप लोगों ने देखा होगा, ये है हींग का पौधा, ठीक है। अब हींग के बारे में अगर आसापो टीडा हींग के बारे में बात करें तो हींग प्रमुख मसालों से एक है और यह भारत में उच्च मूल्य की एक मसाला फसल के साथ भारतीय रसोई का एक प्रमुख मसाला भी है। इसे फेरुला अस्सा फोटीरा नाम के भारत से प्राप्त किया जाता है। कच्ची आसा फोटीरा हींग को फेरुला अस्सा फोसिटीरा की मांसल जड़ों से ओलियोगम राल के रूप में निकाला जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे हींग के पौधे की वृद्धि के लिए ठंडी और शुष्क परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा क्या चाहिए होता है, इसके लिए परिस्थितियां कैसी चाहिए होती हैं हींग के पौधे के लिए। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ठंडी और शुष्क परिस्थितियां जहां भी रहेंगी वहां आपको देखने को मिलेगा। देखिए यूपीपीसीएस में आपने देखा होगा कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त होता है, तो इसमें आपको हींग दिया गया था, सुहागा दिया गया था, शिलाजीत दिया गया था। तो इसी की बात कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चंस की, ठीक है। दुनिया में फेरुला की लगभग 130 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन आसा पोटीरा हींग के उत्पादन के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति फेरुला अस्सा फैटी डिस का ही उपयोग किया जाता है। भारत में फेरुला आसा होटिडा नहीं है, लेकिन इसकी अन्य प्रजातियां फेरुला जिससे गेना पश्चिमी हिमालय चंबा और हिमाचल प्रदेश में और फेरुला नार्थिक्स कश्मीर एवं लद्दाख में पाई जाती है, जो कि आसा होटिडा हींग पैदा करने वाली प्रजातियां नहीं है, ठीक है। अजीब नाम होता है, इसका उच्चारण करने में भी बड़ा अजीब लगता है। और याद रखिए आप लोगों को बताना है केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। और यहां तक कहा जाता है कि एकमात्र राज्य हमारा जहां आप देखते हैं कि केसर उत्पन्न होता है, उगाया जाता है, ठीक है, वो बहुत महंगा भी रहता है। भारत में फेरुला अस्सा फोटिडा नाम के पौधों की रोपण सामग्री का अभाव इस फसल की खेती में एक बड़ी अड़चन थी। याद रहे कि भारत, अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना लगभग 1200 टन कच्ची हींग आयात करता है और इसके लिए प्रतिवर्ष लगभग आप देखेंगे 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ता है। हमें हींग की खेती में CSIR और IHBT के प्रयास क्या है, तो भारत में आसापोटीडा हींग की खेती की शुरुआत करने के उद्देश्य से CSIR और IHBT के दल ने अक्टूबर 2018 में ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली के माध्यम से ईरान से लाए गए बीजों के 6 गुच्छों का इस्तेमाल शुरू किया था। ये 2018 की बात है। 15 अक्टूबर 2020 को CSIR और IHBT के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार द्वारा लाहौल घाटी के क्वारिंग नाम के गांव में एक किसान के खेत में आसाफोटिडा हींग के पहले पौधे की रोपाई की गई है। ICSIAR और NBPGR ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले 30 वर्षों में देश में आसा फुटिया फुटिरा फेरुला आसा फुटिरा के बीजों के इस्तेमाल का यह पहला प्रयास है। और या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा कि आसा फुटिरा काफी चर्चा में रहा था, एक किस पौधे से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना होगा। ICSIAR और IHBT ने NBPGR की निगरानी में हिमाचल प्रदेश के स्थित CEHAB रिबलिंग और लाहौल और स्पीति में हींग के पौधे उगाए हैं।
याद रहे कि हींग के पौधे की वृद्धि के लिए ठंडी और शुष्क परिस्थितियां अनुकूल हैं और इसकी जड़ों में ओलियो गम नाम की राल के पैदा होने में लगभग 5 साल लगते हैं। यही वजह है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में के ठंडे रेगिस्तानी इलाके आसाफोटिडा हींग की खेती के लिए उपयुक्त स्थिति है। अगर ये नाम भी आप काफी सुना है कि CSIR और IHPT क्या है, तो इसके बारे में अगर बात करें, CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित है। यह धौलाधार पर्वतमाला में स्थित हिमाचल प्रदेश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एकमात्र राष्ट्रीय प्रयोगशाला भी है। संस्थान का शोध धैर्य स्थायी तरीके सतत उपयोगों द्वारा से जैव संसाधनों के इससे जैव आर्थिकी को बढ़ावा देना है। तो यही नहीं उचित थी आपकी, तो इसे आपको याद रखना है। जैसे भी क्वेश्चन आता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे मुझे लगता है। तो आशा होटिडा, ठीक है।